right. Somebody handle gentlemen. Yeah. Sir, I'll leave. Thank you very much. It's been tailing me for like 10 minutes. It's good? Should I sit here? It's good? Yeah, yeah. Hello. Hello, Shahid. Hello. Thank you. एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको. लेडीज जेंटलमैन यू आर माय टीम एंड यू आर मेकिंग मोस्ट नॉइज. यू फाइव आर मेकिंग मोस्ट नॉइज सिंस मॉर्निंग. प्लीज गो देयर नो एंड कीप क्वाइट. थैंक यू वेरी मच. आह लवली. यस प्लीज. मतलब कोई और अब सवाल नहीं पूछ सकता. आपने सारे सवाल पूछ लिए. नहीं नहीं बहुत सारे सवाल है. वेल द फिल्म इज कॉल्ड बत्ती गुल मीटर चालू. तो जैसा टाइटल है वैसी फिल्म है. टाइटल क्वर्की है, एंटरटेनिंग है. फिल्म के अंदर एक मैसेज है. तो ये दोनों चीज़ें इस टाइटल के अंदर इनका मिश्रण है. फिल्म भी ऐसी है. सर नहीं हो पाएगा. प्लीज़ आप लोग फोटो टक टक. प्लीज़ 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 प्लीज़. सॉरी स्टार्ट. फिल्म का टाइटल है बत्ती गुल मीटर चालू. फिल्म एक एंटरटेनिंग फिल्म है जिसके अंदर एक मैसेज है. फिल्म उत्तराखंड में बेस्ड है. हमने टिहरी में शूट किया, देहरादून में शूट किया, ज़्यादातर ऑन लोकेशन शूट किया. सिंपल कैरेक्टर्स हैं फिल्म के अंदर. बहुत असली रियल लोग हैं. मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं. तीन दोस्त हैं. एक एस के सुशील कुमार पंत जो एक कपटी कमीना लॉयर है. एक ललिता नौटियाल ए के नौटी जो लोकल मनीष मल्होत्रा हैं. और एक आर के लक्ष्मण का कॉमन मैन त्रिपाठी जो बड़ा शरीफ अच्छा कैरेक्टर है जो देवेंदु प्ले कर रहे हैं. फिल्म की शुरुआत में इनके बीच की नोकझोंक, एंटरटेनमेंट, प्यार, दोस्ती, एस्पिरेशंस. शुरुआत में फिल्म शुरू ऐसे होती है एंड देन ऑब्वियसली द इशू किक्स इनटू द फिल्म एंड द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म हैज़ अ लॉट ऑफ यू नो अ लॉट ऑफ stuff which talks about electricity being a fundamental human right, privatization ke baad jo bills badh gaye hain aur jo aam aadmi ke liye affordability kam hoti ja rahi hai electricity ki. meters faulty hote hain ya aapka bill absorbent aata hai to aap kahan ja ke uske bare mein baat kare. aapke paas koi avenue nahi hai jahan pe koi kisi ki baat sune. to is issue ko lekar film banayi gayi hai. entertaining film hai. हंसी मजाक है फिल्म के अंदर, गाने हैं फिल्म के अंदर. लेकिन आई थिंक यही श्रीनारायण सिंह की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. पिछली फिल्म भी जो उन्होंने बनाई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक प्रेम कथा. सो वो एक लव स्टोरी के थ्रू हिंदुस्तान में जो सैनिटेशन का प्रॉब्लम है जो स्पेशली रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है उसके ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई थी. और इस बार भी इन कैरेक्टर्स के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी के इशू को एड्रेस कर रहे हैं. तो यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. और दिस इज़ व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट. या आई मीन इट्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट. इससे पहले मेरा जो कैरेक्टर था वो बहुत ही चुपचाप, शांत, इंट्रोवर्टेड था. ये कैरेक्टर उसका ऑपोजिट है. ही हैज़ वर्बल डायरिया, कॉन्स्टेंटली बात करते रहता है. पिछली फिल्म में पद्मावत में मेरा कैरेक्टर बहुत ही करेक्ट मॉरल्स एंड वैल्यूज़ वाला था. इसकी कोई मोरालिटी और कोई वैल्यूज़ नहीं है. और वो एक राजा का कैरेक्टर था. ये रस्ते का जुगाड़ू लौंडा है. और वो बहुत ही करेक्ट, सही तरह यू नो एस्पिरेशनल कैरेक्टर था. ये कैरेक्टर के अंदर कोई एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं है. आई होप लोगों को ये कैरेक्टर, मुझे तो ऐसा लगता है फर्स्ट हाफ में अच्छा भी लगे नहीं. आई एम वेरी डाउटफुल बिकॉज वो ऐसी कोई चीज़ कर नहीं रहा है जिसकी वजह से आप उसको पसंद करोगे. बहुत एंटरटेनिंग कैरेक्टर है डेफिनेटली. और यू नो ही इज़ ऑलवेज अप टू समथिंग. ही इज़ वेरी क्वर्की. ऑफकोर्स द लैंग्वेज एंड द डायलेक्ट इन द फिल्म जो एक फ्लेवर दिया गया है उत्तराखंडी लैंग्वेज का, इसमें कुमाऊनी को यूज़ किया गया है. तो ऐसे वर्ड्स हैं. अभी तो लोगों ने सिर्फ बल और ठहरा ऐसे ये दो वर्ड्स ही सुने, लेकिन ऐसे कई वर्ड्स हैं फिल्म के अंदर थोड़े 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 यहाँ वहाँ जिससे आपको फ्लेवर मिलेगा. लैंग्वेज तो हिंदी है लेकिन फ्लेवर के लिए हमने ज़रूर इन वर्ड्स को ऐड किया है. तो उसको समझना, उसको सही तरीके से बोलना, छोटे शहर के लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज होती है थोड़ी अलग होती है, बात करने का तरीका थोड़ा अलग होता है. तो उत्तराखंड के एरिया में कैसे लोग हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है उस पर रिसर्च की. आप दिल्ली से हो, बिजली तो यहाँ भी गुल होती है. मैं 10 साल बिताए हैं यहाँ पे. पहाड़ से अच्छा वहाँ पे अक्सर ये होता है जी. तो आपने जब शूटिंग के इलाकों में जाकर तो वहाँ पर कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि बिजली? दूसरे तीसरे दिन हम लोग एक्चुअली टिहरी जहाँ हम शूट कर रहे थे जो देहरादून से 3 घंटे ऊपर है,
वहाँ पर बड़ी होटल्स ऐसी हैं नहीं, तो हम यू नो जो भी वहाँ पे बहुत अच्छी होटल थी जहाँ हम रहे, लेकिन इट वॉज़ नॉट अ फाइव स्टार और समथिंग. तो जब वहाँ रह रहे थे तो वहाँ इंटरनल हीटिंग नहीं थी, और एक रात को इलेक्ट्रिसिटी चली गई, -2 degrees था. तो हम सब आग जला के सब साथ में बैठे हुए थे, और बहुत अर्ली स्केड्यूल में रियलाइज़ हुआ कि जब बत्ती गुल होती है और ठंड चालू होती है तो क्या हाल होता है. तो यस, वी डिड एक्सपीरियंस दीज थिंग्स. इनफैक्ट पानी ऊपर चढ़ाना भी हिली एरियाज़ में मुश्किल होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है तो पानी नहीं चढ़ा पाते आप ऊपर. तो बड़े सारे ऐसे इशूज़ हैं, और इन सबको हल्का हल्का एड्रेस ज़रूर किया गया था. कोशिश तो शुरुआत से थी कि मुझे वर्सिटैलिटी को झलकाने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, पर मुझे कोई ऑफर ही नहीं करता था. सब लोगों को लगता था मैं सिर्फ वही चॉकलेट बॉय, यू नो, कॉलेज बॉय टाइप रोल्स करते रहूं और लड़कियों के साथ ऐसे बस वही, यू नो, उसके आगे पीछे कुछ ऑफर नहीं होता. तो बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ. आज अलग अलग तरह के रोल्स आते हैं, डायरेक्टर्स अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स ऑफर करते हैं. तो यू नो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड इट्स बीन अ लॉट ऑफ एफर्ट. यू नो आई हैव रियली ट्राइड वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड येस आई फील वेरी फॉर्चुनेट टुडे कि आज लोग मुझे उस तरीके का एक्टर समझते हैं जो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स प्ले कर सकें. सो या आई एम वेरी हैप्पी विद द फैक्ट दैट आई कैन डू डिफरेंट थिंग्स, एंड दैट्स समथिंग दैट इज ऑलवेज एक्साइटेड मी. दैट्स हु आई एम एट माई कोर, एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू डू दैट. ओके, हाय, कैसे हो? हम ठीक है. कांग्रेचुलेशंस इस्त्री के लिए. थैंक यू सो मच. मुझे तो ये लग रहा था कि आप कल आएंगे, कहीं बाहर लिखो ना किसी ने कि ओ इस्त्री का. नहीं, मैं कल, मतलब मैं ऑफकोर्स आऊँगी. मैं स्त्री जैसी नहीं हूँ जो चली जाती है, पर बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली में आके टू सी ऑल ऑफ यू. क्या आप सबने देखी स्त्री? नहीं, वो तो ऐसा ही नहीं, वो मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाली. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. अभी भी थोड़ा सस्पेंस रखने दो. इसमें स्त्री से बहुत ही अलग कैरेक्टर है, और जो किरदार इस फिल्म में मैं निभा रही हूँ उसका नाम है ललिता नौटियाल. क्या आगे आ जाओ? श्योर श्योर श्योर, बेटर. ठीक है, थोड़ा आवाज़ नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं आ रही. थैंक यू. तो इस फिल्म में मैं ललिता नौटियाल उर्फ नौटी, प्यार से उसके फ्रेंड्स उसे नौटी बुलाते हैं, तो उसका किरदार निभा रही हूँ. उत्तराखंड से है वो, और अगर आपने प्रोमोज देखे हैं तो शायद उससे पता लगेगा कि वो काफ़ी, मतलब ऑन द फेस है, मतलब बहुत मूवफट भी है, और उसका, मतलब उसे लगता है कि वो उत्तराखंड की सबसे बेस्ट डिज़ाइनर है. उसे लगता है कि वो मनीष मल्होत्रा और रोहित बाल को कंपटीशन देगी, पर वो सिर्फ खुद ही मानती है, ऐसा तो है नहीं एक्चुअली. जैसे वो जिस टाइप की डिज़ाइनर है वो काफ़ी लाउड कपड़े पहनती है, और लेकिन उसके मन में उसे लगता है कि वो सबसे बेस्ट है. इस फिल्म में तीन दोस्त हैं, त्रिपाठी, एसके और नॉटी. एसके इज़ ऑफ कोर्स शाहिद, एंड दिव्येंदु इज़ ऑफ कोर्स त्रिपाठी. तो तीनों में बहुत गहरी दोस्ती है, और जब त्रिपाठी को प्रॉब्लम, जब त्रिपाठी प्रॉब्लम फेस करते हैं बिजली के बिल के साथ की, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो, और कैसे वो हैंडल करते हैं उसको, उस पर उनको कैसा असर होता है, तो उनके सपोर्ट में नॉटी कैसी रहती है, तो वो आपको पता चलेगा फिल्म के रिलीज़ के दिन.
मतलब ऐसा लगा कि घर वापस ही नहीं जाऊँ, घर जाना ही नहीं था वापस. और आई थिंक मॉम को ये बात भी, मॉम ने बहुत अंडरस्टैंड भी किया. मॉम ने कहा कि मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि तुम्हें वापस घर क्यों नहीं आना, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है उत्तराखंड और वहाँ पे नेचर इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग, यू नो. एंड आई थिंक कि जब आप शहर की ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं तो एंड यू गो टू अ ब्यूटीफुल प्लेस लाइक उत्तराखंड, और वहाँ की सादगी आई थिंक इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ उत्तराखंड. तो बहुत आई रियली लव्ड शूटिंग द, ऐसा मन कर रहा था कि यार यहाँ पे मेरा घर क्यों नहीं है. देखिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा महसूस होता है जब आपकी फिल्म कामयाब रहती है, लोग उसे देखने जाते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत इन्जॉय किया, तो यू फील सो हैप्पी. एंड यू नो, उम्मीद तो यही रहती है कि लोग इन्जॉय करें फिल्म को, एंटरटेन हो जाए. लेकिन मेरा मानना ये है कि आपकी कोई पिछली सक्सेस या पिछला हिट, आई डोंट थिंक कि वो, आई डोंट नो कि वो कितना अफेक्ट कर सकती हैं टू योर करंट रिलीज़. क्योंकि अगर फिल्म चले, अगर कोई भी फिल्म चलती है, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ जो खुद वो एक कनेक्शन बनाती हैं ऑडियंसिस के साथ, मेरा मानना वो है. तो उम्मीद है कि बत्ती गुल मीटर चालू भी ये लोगों को पसंद आए. एंड आई होप एक्चुअली जो मुद्दा है फिल्म का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात फिल्म की ये है कि बिजली से जुड़े हुए जो भी इश्यूज होते हैं छोटे शहरों में, उसको लेकर हमारी फिल्म बनी हुई है. एंड आई रियली फील कि जैसे श्री सर की पिछली फिल्म टॉयलेट, जिस तरह का इम्पैक्ट रहा है उससे और बहुत ही इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, तो आई होप कि हमारी फिल्म के साथ भी वैसा ही हो. थैंक यू. थैंक यू सो मच. पर पहली बात तो ये कि थैंक यू फॉर सेइंग ऑल दिस ग्लोई ये वो. मैं क्या करती हूँ, आई थिंक मैं सबका प्यार अब्सॉर्ब कर लेती हूँ, ऑडियंसिस का प्यार. आई रियली थिंक दैट, बट ये मैंने मजाक में, बट इट मीन्स अ लॉट टू मी द लव ऑफ ऑल एवरीबडी हु गोज एंड वॉचेज माई फिल्म. थैंक यू. डेफिनेटली टीरी में तो टीरी में हुई, देहरादून में भी हुई, पर ऐसा मतलब एक मुझे लगा कि और भी मतलब एकदम शांत हो गया है. और क्योंकि बिकॉज आई केम फ्रॉम बॉम्बे राइट, तो दैट पीस, वो पीसफुलनेस जो होती है वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे. पर उम्मीद है कि वो जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं बत्ती गुल के, दे गेट सॉर्टेड आउट सून. वर्किंग विद शाहिद फॉर द सेकेंड टाइम वॉज रियली रियली गुड. आई थिंक दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द कंट्री, और इन्होंने लगातार प्रूव किया है कि वो इतने बेहतरीन एक्टर है, इतने अमेजिंग कलाकार है, और इतना मतलब वैरायटी, इतने वैरायटी रोल्स उन्होंने निभाए हैं. एंड हैदर में उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, यू नो. एंड विद विशाल सर एज वेल, अभी इस बार ये और थोड़ा मतलब मज़ेदार तरीके से हम वापस आ गए हैं, मज़ेदार तरीके से. तो आई होप यू ऑल लाइक अस बैक टुगेदर अगेन. इसके बाद मैं शूट करने वाली हूँ साइना के लिए, और मैं शूट कर रही हूँ साहो के लिए. यस यस, थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू ऑल. थैंक यू.